अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुजाहिद जमाली। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों आज आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं पिक्सल लैब के बारे में। दोस्तों पिक्सल लैब क्या है और पिक्सल लैब कहां से डाउनलोड किया जाता है और पिक्सल लैब में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और नए यूट्यूबरों के लिए ख़ास कर जो है ये पिक्सल लैब इंतहाई काम की चीज़ है और इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है नया जो यूट्यूबर हैं। आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि पिक्सल लैब के ऊपर हमें क्या काम करना है अपने वीडियो के लिए, अपने वीडियोस के लिए, और पिक्सल लैब हमें यूट्यूब चैनल बनाने के बाद कितना काम आता है पिक्सल लैब, और किस किस काम के आता है। दोस्तों आज के वीडियो में तफसीली बात बताऊंगा मैं आपको पिक्सल लैब के बारे में। ये वीडियो है, ये कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है दोस्तों, ये अपने दिल से बना रहा हूँ, अपनी मर्जी से ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको आज तफसीली बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त मालूम पूछते हैं यार हम थंबनेल किस चीज़ के ऊपर बनाएं, हम अपने सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं, किस चीज़ के ऊपर बनाएं। तो दोस्तों मैं आपका आज आपके लिए वीडियो जो लेके आया हूँ ये पिक्सल लैब की पूरी ट्यूटोरियल है आपके सामने। वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों जो पिक्सल लैब है उसके दो वर्जन होते हैं, एक पेड होता है, एक पैसों का होता है, एक फ्री वाला होता है। दोस्तों मैं आज जो बात करूंगा आपको वो फ्री वाले की बात करूंगा, क्योंकि पैसे वाले को हम नहीं पहुंच सकते हैं और हम नए जो अभी यूट्यूबर हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अभी आप पैसे खर्च नहीं करें, आप फ्री जो वेबसाइट हैं उनके ऊपर काम करके अपने वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाएँ, और उसके फ्री वाले पर ही काम करके जब आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, जब आपके पास पैसे हो तब आप भले पैसे वाली जो है वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, वो आप भले खरीद करके उसके ऊपर काम करें। तो दोस्तों चलते हैं फ्री वाले जो वर्जन है जो है उसके ऊपर चलते हैं, और मैं आपको आज तफसीली बताऊँगा। दोस्तों पिक्सल लैब के ऊपर आप थंबनेल बना सकते हैं अच्छे से अच्छा और फ्री में बना सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आपको डेटा की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे और जो है काइन मास्टर है और जो है वेबसाइट है उनके ऊपर आपको डेटा का खर्च करना पड़ता है, डेटा ऑन होना चाहिए और थोड़े मुश्किल भी हैं। दोस्तों पिक्सल लैब इंतहाई आसान है, छोटा बच्चा भी उसको यूज़ करके उसके ऊपर थंबनेल भी बना सकता है, और कोई काम है और भी आप कर सकते हैं। पिक्सल लैब एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको प्ले स्टोर से आराम के साथ मिल जाता है। दोस्तों उसको डाउनलोड करें, चंद एमबीओ का है, उसको डाउनलोड करके उसके यूज़ करने के लिए उसके ऊपर फाउंड मिलते हैं अच्छे अच्छे, वो भी आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसकी भी सारी तफसील मैं आपको बताऊँगा। अभी चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की तरफ, वहाँ पर चल के दिखाते हैं कि पिक्सल लैब पे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। हम आ गए अभी मोबाइल के स्क्रीन की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पिक्सल लैब जिसकी लोगो आप देख लें, क्योंकि नए जितने भी यूट्यूबर हैं उनको यकीनन पता नहीं होगा कि पिक्सल लैब के ऊपर क्या काम करना है और कैसे करना है। दोस्तों मैं अपने जो भी वीडियो के थंबनेल हैं वो सारे पिक्सल लैब के ऊपर ही बनाता हूं, और उसमें मुझे आसानी भी बनाने में रहती है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। दोस्तों इसके ऊपर फ़ॉन्ट भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी आपको चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है जो है पिक्सल लैब का। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल के तौर पर कुछ लिख के दिखा देता हूं कि इसको कैसे किए जाएं। मैं आपको तफसील के साथ कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके ऊपर थंबनेल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आज मैं आपको इसे सिंपल ही इसका जो वर्जन है वो दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। ये अभी मैंने अपना नाम लिखा है दोस्तों, तो इसके ऊपर मैं आपको फाउंड चेंज करके दिखाता हूँ। फाउंड इसके जो हैं मैंने अभी डाउनलोड किया है, मैंने चैनल भी अभी बनाया है, इसी वजह से मैंने डाउनलोड भी अभी किया है, पहले से नहीं था मेरे पास। अगर इसमें फाउंड जो है वो मैंने कम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे, ये रहे फाउंड का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर इसके अपने भी फाउंड मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और भी चाहिए किसी जगह से मैं आपको वो भी वेबसाइट बता दूंगा, वीडियो भी ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर मेरी। यहाँ पर आप फाउंड पर क्लिक करेंगे, ये जो सारे फाउंड हैं ये सारे इसके खुद ही खुद ब खुद दिए हुए हैं, ये
जो है इनके ऊपर खुद ब खुद दिए हुए हैं इसके पिक्सल लैब के जो जो हैं वो ये अपने हैं, ये सारे फाउंड उसके अपने हैं पिक्सल लैब के। दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है कि हम अपने डाउनलोड करें किधर करें और कहाँ मिलेंगे हमें डाउनलोड। तो दोस्तों ये जब आप डाउनलोड कोई भी करेंगे तो आपको अपने डाउनलोड जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने में दे आएगा। दोस्तों यहाँ पर ये देखो मैंने 3 फाउंड डाउनलोड किए हुए हैं उर्दू फाउंड। तो ये देखो अभी इसका इंटरफेस कैसे दिखाई देगा। दोस्तों इसकी कलरिंग जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मर्ज़ी आप कलर इनको दे दें, ये देखें ये इंतहाई मज़ेदार फाउंड जो है वो हो गया है। और इसको ऐसे कलरिंग दे के आप अपने नाम लिख सकते हैं, थंबनेल अच्छे बना सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर। और इससे अलावा मैं आपके साथ दूसरा वीडियो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह कल या परसों, जिसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि इसके ऊपर थंबनेल कैसे बनाया जाता है, सारी सेटिंग ए टू जेड सारे चीज़ें बताऊँगा। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम थंबनेल के लिए PNG कहां से डाउनलोड करें, तो दोस्तों PNG भी यहीं से मिल जाएगी आपको पिक्सल लैब के ऊपर, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपली एक बना के दिखा भी देता हूं, क्योंकि ये आज का वीडियो इस बारे में नहीं था मेरा, ये थंबनेल के साथ में आपको बताता। चलो कोई मसला नहीं है, ये मैं एक PNG आपको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ये इस तरीके के साथ PNG बन गई। दोस्तों अगर इस साइड वाला चाहिए लेफ़्ट वाला तो लेफ़्ट वाले को क्लिक करना है, राइट वाला चाहिए तो राइट वाला। ये देखो दोस्तों ये PNG इस तरीके के साथ बन गई। इससे अलावा अच्छी अच्छी आप PNG बना सकते हैं इसमें, और भी कलरिंग दे के अच्छा बना सकते हैं। ये तफसीली वीडियो में आप लेके आऊँगा इंशाल्लाह कल परसों, तो फिर तफसील के साथ में आपको बताऊँगा कि किस तरीके के साथ कैसे काम किया जाता है।